फटाफट खबरों का। बड़ौदा उपचुनाव के लिए निर्दलीय नामांकन भरने वाले कपूर नरवाल ने आखिरकार अपना नामांकन वापस ले लिया। नामांकन वापस लेने के बाद कपूर नरवाल ने कहा कि हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ सकता है। नरवाल के नामांकन वापस लेने के फैसले के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कपूर नरवाल को गले से लगा लिया। नरवाल कपूर ने साथ निभाया है, हम भी निभाएंगे, हम मजबूती के साथ, हुड्डा ने कहा कि खड़े हुए, चिंता नहीं करना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कपूर नरवाल ने ठीक समय पर सही फैसला लिया। हुड्डा ने कहा कि सवाल एक सीट और एक एमएलए का नहीं बल्कि इस बात का है कि प्रदेश पर 2,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। वहीं कपूर नरवाल को लेकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि नरवाल ने धर्म संकट में साथ दिया, कपूर नरवाल का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। बड़ौदा उपचुनाव में नामांकन वापसी के आखिरी दिन 3 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे वापस लिए। इनमें से 2 निर्दलीय प्रत्याशी शामिल हैं, एक कवरिंग प्रत्याशी ने भी अपना नामांकन वापस लिया। नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उपचुनाव में कुल 14 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। नामांकन वापस लेने वालों में कपूर सिंह नरवाल, राजेंद्र सिंह, जोगेंद्र सिंह मोर शामिल हैं। बड़ौदा की चुनावी सियासत में बयानबाजी और वार पलटवार का दौर जारी है। चुनाव प्रचार को लेकर हल्के में पहुंचे बीजेपी के राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम ने पार्टी की ईमानदार नीतियों का हवाला देते हुए इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार की जीत का दावा किया है। सांसद दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि केंद्र और राज्य में इस समय बीजेपी की ईमानदार सरकार है, ऐसे में हल्के के लोगों को अपनी सूझबूझ से बीजेपी के उम्मीदवार को यहां से मौका देना चाहिए, जिससे क्षेत्र में पिछड़ापन का धब्बा मिट सके। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि करते करते निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के राज में हल्के का विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण था। उन्होंने पार्टी के कैंडिडेट योगेश्वर दत्त को लेकर कहा कि पहलवान ने पहले भी देश प्रदेश का नाम रोशन किया है। कपूर नरवाल के नामांकन वापस लेने पर गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ौदा में बीजेपी का उम्मीदवार मजबूत है, बीजेपी के उम्मीदवार को वहां पर लोग पसंद करते हैं। अनिल विज ने कहा कि चुनाव विकास के मुद्दे पर हो रहा है, उन्होंने दावा किया कि हम ही विकास करवा सकते हैं, किसी और पार्टी का उम्मीदवार जीत कर विकास नहीं करवा सकता। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस घबराई हुई है, कांग्रेस को वहां समर्थन नहीं मिल रहा, इसलिए निर्दलीयों से प्रार्थना कर रही है हमारे साथ आ जाएं। गोहाना में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने बड़ौदा के चुनाव को क्षेत्र की शान का चुनाव बताया। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता जी जान से जुट जाएं। अजय चौटाला ने कहा कि आगामी 4 सालों में क्षेत्र को विकास के बुलंदियों तक पहुंचाना है, ये तभी संभव होगा जब दोनों राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता जी जान से जुटेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला ने शाहबाद और पिपली अनाज मंडी में किसानों की समस्याओं को सुना। इस दौरान एक किसान ने कहा कि 25 दिन से लटकी धान की पेमेंट क्लियर करवाने का कुछ जुगाड़ करा दो। ओपी चौटाला ने किसानों से कहा कि इनेलो के राज में तो धान का भाव भी पूरा मिलता था। उन्होंने आढ़तियों और किसानों से अपील की, कहा कि इनेलो के झंडे के नीचे एकजुट हो जाएं, इनेलो का राज आने पर उनकी सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री झज्जर की विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, बीजेपी के विधायक धरने पर बैठ रहे हैं तो कुछ विधायक चेयरमैन की कुर्सी ठुकरा रहे हैं। भुक्कल ने कपूर नरवाल के नामांकन वापस लेने पर कहा कि इसे चुनाव के सारे समीकरण बदल गए हैं। भुक्कल ने कहा कि इस उपचुनाव में विजयी तिलक कांग्रेस उम्मीदवार के माथे पर लगेगा। उन्होंने बीजेपी पर चुनाव में मतदाताओं के बीच जाट और नॉन जाट का भ्रम फैलाने के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी कैंडिडेट को ब्राह्मण उम्मीदवार बताकर जाट नॉन जाट का नारा दिया जा रहा है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने दावा किया कि आज प्रदेश में हालात हैं उसके मुताबिक परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं। अभी चौटाला ने कहा कि जितने उम्मीदवार बड़ौदा उपचुनाव में लड़ रहे हैं उनमें हमारा उम्मीदवार अच्छी स्थिति में है। उन्होंने कहा कि बड़ौदा में जो संभावना है वो सरकार के खिलाफ है। बीजेपी ने बबीता फोगाट को पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक बनाया, जिसके बाद बबीता बड़ौदा में भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगी। इस दौरान बबीता फोगाट ने कहा कि जिस तरह ताकत कुश्ती में आजमाते थे उसी तरह से योगेश्वर दत्त को जिताने में आजमाएंगे। बड़ौदा उपचुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त ने बड़ौदा में अपना कार्यालय खोला। इस दौरान हवन यज्ञ किया गया। बबीता फोगाट भी कार्यालय के उद्घाटन में पहुंची थी। प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि सालों से मनेठी में लंबित पड़ा एम्स निर्माण का जल्द सिरे चढ़ेगा।
टीम ने मनेठी से लगते जिले रेवाड़ी के गांव माजरा में जमीन को पास कर दिया है। सहकारिता मंत्री रेवाड़ी में लोगों की समस्याएं सुनने के बाद उन्होंने कहा कि 50 से ज्यादा लोगों की समस्याओं को सुना, जिला उपायुक्त को सभी समस्याओं के समाधान करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय का नाम महान पर्यावरणविद गुरु जम्बेश्वर जी के नाम पर रखा गया है। राज्यपाल ने कहा कि ये विश्वविद्यालय पर्यावरण के क्षेत्र के साथ विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में देश और प्रदेश के छात्रों को गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध करवा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि देश के शीर्ष 100 विश्वविद्यालय में ये दो बार शामिल रहा है। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालयों के विभिन्न विभागों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में 2700 से भी ज्यादा शोध पत्रिकाएं प्रकाशित हुई हैं। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय ने अपने 25 साल के कार्यकाल में अनेक ऐसे विद्यार्थी दिए हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए देश, राज्य और अपने विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। देश में सबसे ज्यादा प्रदूषण फरीदाबाद के बल्लभगढ़ शहर में रिकॉर्ड किए जाने के बाद हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने SDM के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने जरूरी काम उठाने को लेकर निर्देश दिए हैं। मीटिंग के बाद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के आदेशों का पालन करते हुए SDM ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बल्लभगढ़ पंचायत भवन बुलाया, शहर में पेड़ों पर छिड़काव का काम शुरू किया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि शहर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हजारों पेड़ पौधे शहर में लगवाए गए ताकि शहरवासियों को शुद्ध हवा मिल सके, लेकिन बल्लभगढ़ शहर में औद्योगिक क्षेत्र और ट्रांसपोर्ट नगर के अलावा नेशनल हाईवे पर चल रहे काम प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि शहर में जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं वह बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए सरकार के नियमों का पालन करते हुए काम को करें। कुरुक्षेत्र में प्रदेश के टॉप 5 प्रदूषित शहरों में शामिल हो गया है। स्मॉग बढ़ने से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। लोगों को सांस लेने में परेशानी के साथ ही आंखों में जलन की समस्या भी होने लगी है। फसल के अवशेषों को जलाने पर प्रशासन और कृषि अधिकारियों ने सख्त रुख अख्तियार किया है। गांव दर गांव अधिकारियों की टीमें निरीक्षण कर रही हैं और किसानों को जागरूक किया जा रहा है। फसल अवशेष जलाने वाले किसानों को चिन्हित किया जा रहा है। टीमें खंड कृषि अधिकारी के अलावा क्षेत्र के पटवारी और ग्राम सचिव शामिल हैं। उपमंडल कृषि अधिकारी सतबीर सिंह ने बताया कि नियमों की अवहेलना करने वाले किसानों पर कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने 112 जगहों को पराली जलाने को लेकर ट्रेस किया है। पंचकुला में सरस्वती हेरिटेज बोर्ड कार्यालय में धुमन सिंह किरमच ने कार्यभार ग्रहण किया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और महिला बाल विकास विभाग के मंत्री कमलेश ढांडा ने पदभार ग्रहण करवाया। कोरोना काल में कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। लॉकडाउन पीरियड के वेतन पर नहीं चलेगी कैंची। आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा 2 महीने का वेतन। पूर्व विधायक राजदीप फोगाट को हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। राजदीप फोगाट दादरी से 2014 में विधायक बने थे। सरकार के आदेश जारी करने के बाद राजदीप ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का आभार जताया। तो शाम में प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संसद में जब कोई भी बिल पास होता है विपक्षी दल चुप्पी साध देते हैं और बाद में लोग दिखावा करने के लिए आंदोलन करते हैं। तंवर ने कहा कि सब मिलीभगत की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में किसानों के लिए बनाए गए 3 कानून पूरी तरह से किसानों के खिलाफ हैं और इससे किसी भी किसान का भला नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि बड़ौदा में पहला कांग्रेस पार्टी के टिकट पर दिवंगत विधायक के घरवालों का बनता था, लेकिन पार्टी में आपसी खींचतान और अंतर्कलह की वजह से उचित उम्मीदवार को टिकट नहीं मिला। तो शाम जय किसान आंदोलन के संस्थापक और किसान नेता योगेंद्र यादव ने तो शाम अनाज मंडी का दौरा किया। किसानों से उनकी समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार की ओर से खरीद के लिए निर्धारित किए गए 6 सप्ताहों में से 2 सप्ताहों से ज्यादा का वक्त गुजर गया है। अभी तक 15% किसानों की खरीद भी पूरी नहीं हो पाई। योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार खरीद के लिए किसानों की संख्या को नहीं बढ़ाती तो जय किसान आंदोलन के तहत किसान मंडियों के बाहर धरना देंगे। हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी ने कहा कि अंबाला में 29 अक्टूबर को महापंचायत रखी गई है। 29 अक्टूबर तक किसानों पर दर्ज केस वापस नहीं होते तो 5 नवंबर को रोड जाम करके विरोध जताएंगे। गुरनाम चढ़ूनी ने कहा कि बीजेपी लाशों पर राजनीति करती है। किसानों के परिवारों के लोग संस्कार करना चाहते थे लेकिन नायब सैनी ने संस्कार रुकवाकर केस दर्ज करवाया। गुरनाम चढ़ूनी ने कहा कि आंदोलन को दबाने के लिए हम पर मामले दर्ज किए गए लेकिन मुकदमों से डरकर आंदोलन खत्म नहीं होंगे। चढ़ूनी ने आरोप लगाया कि देश की सरकार कॉरपोरेट घरानों को पालने के लिए नीतियां बना रखी हैं।
कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का धरना शहीद भगत सिंह स्टेडियम में 14वें दिन भी जारी है। किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पंजाब से क्रांतिकारी यूनियन के सदस्यों ने भी किसानों का समर्थन किया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोविड को लेकर हम किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। हमारा रिकवरी रेट 92% रहा, डबलिंग रेट भी 40 दिन का है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें मेदांता अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, लेकिन डॉक्टर्स की सलाह से निशांत सिंह कुछ दिन और होम आइसोलेट रहेंगे। देश भर में लोगों की एंटीबॉडी की जांच के लिए सीरो सर्वे राउंड 2 शुरू हो चुका है। इसे लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग को निर्देश जारी कर दिए गए। हालांकि इस बार प्रत्येक जिले से 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को 720 सैंपल लिए गए। यमुनानगर में सप्ताह अस्पताल प्रांगण में लैब की शुरुआत की जाएगी। इसमें हर रोज 800 से 1000 के बीच टेस्ट किए जाएंगे। लैब से संबंधित सभी मशीनरी आ चुकी है। ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है। अगले 1-2 दिनों में यह प्रक्रिया तेज हो जाएगी। सिरसा के पनियारी गांव को लालदौरा मुक्त करने के लिए पैमाइश की प्रक्रिया पूरी करने के बाद रजिस्ट्री करने का काम भी पूरा कर लिया गया। गांव पनियारी में करीब 300 लोगों की लालदौरा की जमीन की रजिस्ट्री कर उन्हें मालिकाना हक दिया गया, लेकिन कुछ गलत रजिस्ट्री होने की वजह से ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिल रही है। नाराज ग्रामीणों ने लघु सचिवालय पहुंचकर उपायुक्त से मुलाकात की और समस्या के समाधान की मांग की। डिंग गांव में पुराने अस्पताल की जगह पर कुछ लोगों के गुरुद्वारा और दुकानों का निर्माण करने के विरोध में गांव वालों ने लघु सचिवालय पहुंचकर एडीसी को ज्ञापन सौंपा। लोगों का कहना है कि गांव में पहले से 2 गुरुद्वारे हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन को गुमराह करके कुछ लोग करोड़ों रुपए की जमीन को कब्जाना चाहते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी भूमि का सार्वजनिक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तरकी दादरी नगर परिषद कार्यालय में व्यापारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। कार्यकारी अधिकारी मनोज यादव ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानों में प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल न करें। कुरुक्षेत्र में लंबे वक्त से अधर में लटके सड़क के काम के चलते दुकानदारी प्रभावित हो रही है। इसे लेकर दुकानदारों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। त्योहारी सीजन के चलते सड़क निर्माण के कारण दुकानदारों को भारी परेशानी हो रही है। महीनों से निर्माण कार्य नहीं होने से दुकानदारों का कारोबार ठप है। सीएम फ्लाइंग और खाद्य विभाग की टीम ने नरवाना के चमेला कॉलोनी में छापेमारी कर 7 क्विंटल नकली पनीर, 11 टीन पाम ऑयल बरामद किया है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने सूखे दूध से बनाए जा रहे पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। लंबे वक्त से सीएम फ्लाइंग को सूखे दूध और पाम ऑयल की मिलावट से पनीर बनाने को लेकर सूचना मिल रही थी। कैथल में सीएम फ्लाइंग की टीम ने मिठाइयों की दुकान पर रेड की। छापेमारी के दौरान टीम ने दुकानों से मिठाई और खोए के सैंपल लिए हैं, जिन्हें गुणवत्ता की जांच के लिए भेजा गया। सीएम फ्लाइंग की टीम ने बताया कि पुंडरी के एक मिष्ठान भंडार पर घरेलू गैस सिलेंडर प्रयोग किए जा रहे थे, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए सिलेंडर कब्जे में लिए गए और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जींद में डेयरी रोड पर सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने अचार के एक बड़े गोदाम पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने भारी मात्रा में सड़ा हुआ अचार बरामद किया। छापेमारी के दौरान कुछ लोग कच्चा अचार तैयार करने में जुटे हुए थे, कुछ लोग अचार की पैकिंग भी कर रहे थे। टीम ने जब अचार के भंडार का निरीक्षण किया तो उसमें काफी लापरवाही मिली। ड्रमों से भरे अचार में बदबू आ रही थी। काफी ड्रमों के ढक्कन खुले हुए मिले। उनमें न केवल मक्खियां भिन भरा रही थी बल्कि अन्य तरह का दूषित सामान भी पड़ा मिला। टीम ने यहां पर कई किस्म के अचारों के सैंपल लिए। भिवानी के हांसी रोड पर ड्राइवर की लापरवाही का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में एक सवारी गाड़ी के पीछे हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की गाड़ी नजर आ रही है। तेज रफ्तार से दौड़ रही गाड़ी में अवैध तरीके से सवारियां ले जाई जा रही है। अवैध रूप से सवारियां ले जाने के लिए विभाग के लिए विशेष अभियान के तहत पकड़ा जा रहा था, तो वहीं गाड़ी पकड़े जाने के डर से चालक ने सवारियों से भरी गाड़ी को तेज रफ्तार से दौड़ा दिया। गाड़ी चालक ने एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में सवारियों से भरी गाड़ी को फुटपाथ के ऊपर चढ़ा दिया। यहां पर बड़ा हादसा हो सकता था। फतेहाबाद के झलनिया गांव में पुलिस ने बाइक सवार नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने नशा तस्करों के पास से 1 किलो 10 ग्राम अफीम बरामद की। पुलिस ने तस्करों से एक अवैध पिस्टल और 14 जिंदा कारतूस बरामद किए। फतेहाबाद के भूना इलाके में पकड़े गए तस्करों की हत्या, मारपीट, लूट, झगड़ा और तस्करी जैसे मामले पहले से दर्ज हैं। करनाल में पिछले कई दिनों से किसानों के खेतों में ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले चोर पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे। पुलिस के पास लगातार शिकायतें आ रही थी। करनाल पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। टीम ने 3 गैंग को पकड़ने के बाद अब सफलता हासिल की। आरोपियों को पेश कर रिमांड पर लिया गया। आरोपियों के कब्जे से गाड़ी, ट्रांसफार्मर खोलने वाले औजार की एक किट और 12 किलो क्वाइल तांबा बरामद किया गया। गुरुग्राम पुलिस ने वाहन चोर सरगना राकेश और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया।
वाहन चोर के गिरोह का सरगना मेवात तावड़ू का रहने वाला है और फिलहाल सोहना चौक के पास झुग्गियों ने पहचान और नाम बदलकर झुग्गियों में रहता है और वारदात को अंजाम देता है। गुरुग्राम के फर्रूक नगर में शराब कारोबारी की हत्या के दो मुख्य आरोपियों को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। दरअसल 2 सितंबर को फर्रूक नगर में शराब के ठेके का कैश लेकर जा रहे शराब व्यापारी इंद्रजीत और उसके साथी विक्रम को बदमाशों ने गोली मार दी थी। करनाल के आनंद विहार में डबल मर्डर मामले को लेकर मृतक के बेटे ने को पुलिस ने हिरासत में लिया। रविवार को आनंद विहार कॉलोनी के एक मकान से 2 लोगों की हत्या का मामला सामने आया था। सोहना बल्लभगढ़ रोड पर तेज रफ्तार से आ रही वैगनआर कार चालक को सामने से आ रही बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक गांव जकोपुर का रहने वाला बताया जा रहा है जो अपने रिश्तेदार के घर से वापस अपने गांव जा रहा था। फतेहाबाद के भुना इलाके में 22 साल की लड़की से रेप का मामला सामने आया। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि शख्स शादी का झांसा देकर लंबे वक्त से दुष्कर्म कर रहा था। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने जब बार बार शादी करने की बात कही तो युवक पीड़िता को अकेला छोड़कर भाग गया। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस को मामले की शिकायत दी। देश में बैन हो चुके टिकटॉक ऐप पर एक लड़की फौजी के प्यार में पड़कर धोखे का शिकार हो गई। मामला पानीपत का, जहां पर एक लड़की की एक शख्स से दोस्ती हो गई, दोस्ती प्यार में बदली और फिर उसे धोखा मिला। लड़की अब इंसाफ की गुहार लगाने प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज के आवास पर पहुंची, जहां पर उसने बताया कि खुद को अविवाहित बताकर एक फौजी ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया। जब उसने शादी का दबाव बनाया तो पता चला शख्स पहले से शादीशुदा है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में तावड़ू खंड की सहसोला पट्टी ग्राम पंचायत एक के बाद एक नई इबारत दिख रही है। सेफ्टी विद डॉक्टर डॉटर के मामले को लेकर बेटियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। गांव मिताल के रहने वाले एक द्वितीय की बेटी सुशीला ने नीट की परीक्षा पास करके एमबीबीएस के कोर्स में दाखिला पक्का कर लिया है। सुशीला ने 720 में से 638 अंक प्राप्त किए। रेवाड़ी में पंजाबी समाज ने एक विशाल पंजाबी भवन का निर्माण करवाया। इसके बाद स्वामी धर्मदेव ने एक वैवाहिक ऐप लॉन्च कर पंजाबी समाज को तोहफा दिया। वैवाहिक ऐप बनाने का उद्देश्य समाज के बेटे बेटियों को निःशुल्क रिश्ता उपलब्ध करवाकर शादी के बंधन में बांधने का है। नौ के शिकरावा गांव की गलियों से क्रिकेट का सफर शुरू करने वाले आरसीबी टीम के हरफन मौला खिलाड़ी शाहबाज अहमद अपने पहले मैच में सुर्खियां बटोर रहे हैं। पानीपत में खेलों के आयोजन की शुरुआत हो गई है। जिले में महिला ओपन वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें महिला खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। पलवल के वार्ड संख्या 5 में गंदे पानी की निकासी की सही व्यवस्था न होने से लोग परेशान हैं। फरीदाबाद में अपराध पर काबू पाने के लिए पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह की नई पहल। थाना प्रभारियों को अपने अपने इलाकों में 5 किलोमीटर पैदल गश्त करनी होगी। पैदल चलते हुए लोगों की समस्याएं सुननी होगी। थाना प्रभारियों को मोबाइल में वॉकिंग ऐप डाउनलोड करने होंगे और ऐप का स्क्रीनशॉट लेकर रोजाना पुलिस आयुक्त को भेजना होगा। पानीपत में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और धारदार हथियार चले। 1700 एकड़ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। कुरुक्षेत्र के बस क्यू शेल्टर में एक युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई, पुलिस जांच कर रही है। रोहतक की झाड़ियों में महिला का शव मिला जिससे सनसनी फैल गई। पुलिस को महिला की हत्या की आशंका है, पुलिस जांच कर रही है।